सो हे गाइस, वेलकम फॉर टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम टोटली विंडोज़ के बारे में डाउन करेंगे, क्योंकि विंडोज़ की सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ की जो हाल ही में अपडेट आई है, जो जुलाई अपडेट है, इसमें उन्होंने क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं, क्या क्या इसमें न्यू अपडेट्स आई हैं, क्या कितने फीचर्स हैं और क्या क्या इसमें हमें अलग से देखने को मिलता है, क्या क्या इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया है और ये अपडेट कितने साइज की थी और एवरीथिंग अबाउट विंडोज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो कि विंडोज़ के ऊपर होने वाली हैं वो आपको मिलती रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो उसके लिए बेल आइकन को दबा दें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे चेक मार्क कर दें। सो लेट्स मूव ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। तो गाइस, आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें जो फर्स्ट जो इसके अंदर अपडेट्स निकल कर आती है वो है इसकी ट्रबल शूटिंग। तो मैं आपको गाइड करता चलूँ, जो हमारी पहले विंडो में अगर आप यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रबल शूट नहीं कर रहा था, पर अभी जो है ये जो अपडेट्स आ रही हैं ये ऑटोमेटिकली आ रही हैं। अभी जो इसका अगर आप देखें इसकी और ट्रबल शूटिंग में जाएँ अगर आप, तो आपको लिखा हुआ भी देखने को मिल जाता है रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग। अभी जिसकी 19.0 थी, हाल ही में अपडेट आई थी जुलाई वाली, अभी एक और भी आ चुकी है, बट हम डिस्कस करेंगे 19.03 को इस वीडियो में, कि जो है वो फिक्स करती थी ऑटोमेटिकली आपके एनी रिकमेंडेशन फॉर यू राइट नाउ लास्ट चेक नेवर। नहीं, अभी हमारे पास कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको ट्रबल शूट करें, बट इज रिकमेंडेड ट्रबल शूट है और इसको आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, वंस अ डे, वंस अ वीक, नेवर और आस्क मी बिफोर फिक्सिंग प्रॉब्लम। तो ये तमाम इधर इसके ऊपर मौजूद हैं। तो ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है कि अगर आपके बैकग्राउंड पे कोई भी चीज़ एरर कर रही है तो ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रबल शूट करेगा और उसको आपके लिए ओके करेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर इसको फर्स्ट फीचर है जो कि विंडोज़ 10 19.03 जुलाई अपडेट में उन्होंने अपडेट की है। तो ये एक नई चीज़ इसके अंदर उन्होंने डाली है। तो डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या जैसी चीज़ है। सो मूव ऑन सेकंड थिंग। तो मूव करते हैं अपने सेकंड थिंग के ऊपर। तो अगर आप चेक करें कि अगर आपका जो ये पैनल है, अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के ऑप्शन दिख रहे होंगे। मेरे पास अभी पीसी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास नाइट मोड उन्होंने एक्टिव कर दिया है। नाइट मोड करूँगा तो ऑन आ जाएगा और ऑफ क्लिक करूँगा ऑफ आ जाएगा। तो इसके जो कलर्स हैं जो नाइट में होंगे वो थोड़े से डार्क हो जाएंगे और येलो में आ जाएंगे ताकि आपकी आँखों को तकलीफ़ ना आए। अगर आप जो लैपटॉप यूज़र हैं तो जब आपकी एक टैबलेट आ जाएगा जो कि स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करती है। तो मैं दो गो टू सेटिंग में जगह दिखा देता हूँ कि जैसे नाइट मोड ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इधर जाएंगे और ये आपकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन वगैरह भी आ जाती है। ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, देखिए टाइमर भी सेट कर सकते हैं, नाइट लाइट सेटिंग और टाइमर वगैरह के इतने बजे ऑन हो और इतने बजे ऑफ हो जाए। तो मेरा रात को ऑन होता है और सुबह ऑफ हो जाता है। तो स्ट्रेंथ देख सकते हैं जितनी भी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सेकेंड फीचर जो कि विंडोज़ के अंदर अपडेट किया उन्होंने ताकि नाइट मोड और ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करें। वैसे आप पहले लैपटॉप यूज़र हैं तो फंक्शन की के साथ अप डाउन करते थे, बट अभी उन्होंने इसके अंदर स्मूथनेस दिखा कर उसको ही आपको कंट्रोल मैन्युअली दे दिया हुआ है। तो बात करते हैं थर्ड टिप की। तो नेक्स्ट थिंग जो है भाई, आप जाएंगे विंडोज़ में सेटिंग्स में जाएंगे तो पर्सनलाइजेशन में आपको एक और फीचर दिखाएगा कलरिंग का पर्सनलाइजेशन के ऊपर। जिसके अंदर आप थीम के ऊपर जाते हैं तो आपको इधर देखने को मिलती है डार्क और ये जो कुछ ऐसी थीम्स, उसके बाद आप इसको एक न्यू लुक भी दे सकते हैं कुछ ऐसे के कलर्स में जाएंगे, जैसे इसको डार्क में कन्वर्ट कर दें, लाइट में कर दें। तो ये देखें, अगर लाइट पर करता हूँ तो मैं टोटली नीचे से जो वाइट हो गया लाइट हो गया और ये तमाम विंडो मेरी लाइट हो गई है। अगर मैं इसको डार्क पर करता हूँ डार्क भी हो जाएगा। अगर जैसे मैं कोई एक्सेंट कलर चूज़ करता हूँ तो ये उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फॉर माई बैकग्राउंड, तो वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो देख सकते हैं इधर चेंजेस हो रही हैं और इधर से हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं। और कस्टम पे अगर करेंगे तो लाइट है या डार्क है, ये डार्क में चल रहा है या लाइट में चल रहा है। तो मैं डार्क यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैं यही करूँगा। ये इसकी विंडोज़ 10 19.03 जुलाई अपडेट में इन्होंने न्यू फीचर ऐड किया है। तो क्या अगर कलर्स की बात करें तो कलर्स आपकी विंडोज़ में काफ़ी अच्छा रैम का दर अदा करते हैं। तो इधर से अगर आप चेक मार्क करें ऑप्शंस को, ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फॉर्म बैकग्राउंड, तो लास्ट पे आता है टास्क बार आइकॉन और एक्सेस सेंटर, ये वाले जो नीचे वाला है टाइटल बार एंड विंडोज़ ऊपर वाला। जैसे सपोज मैं ये वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ तो नीचे भी कलर चेंज होते जाएंगे। ग्रीन करता हूँ तो ये ग्रीन में आ जाएगा, लेट मी क्लिक ऑन ग्रीन। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या न्यू डाला है 19.03 में। तो गाइस, नेक्स्ट जो फीचर है वो काफ़ी अमेजिंग है, जिसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती थी, जैसे कि इमोजीज़ वगैरह की अगर बात कर लें तो उसके लिए आपको काफ़ी कुछ डाउनलोड करना पड़ता था। तो इस अपडेट में आपको इमोजीज़ वैसे ही इन विंडोज़ के अंदर मिल जाती हैं। तो उसके लिए आपको विंडो प्लस डॉट का जो
है वो करना है, और आपके कीबोर्ड के अंदर जो भी इमोजीज होंगे विंडोज़ प्लस डॉट का अगर आप साथ ही दबाएंगे तो ये इमोजीज़ वगैरह जो भी होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, और ये इमोजीज़ आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कुछ ऐसे देख सकते हैं। ये इधर ब्लैक एंड वाइट में आ रहे हैं, बट जैसे ही आप ब्राउज़र में जाएंगे तो कलरफुल आएंगे। तो मैं इधर सपोज ये करता हूँ, तो ये देखें सारी इमोजीज़ बन रही है इसके ऊपर। तो आपको स्क्रीन बड़ी भी करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, इमोजीज़ का मैं फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ, तो देख सकते हैं ये सारी इमोजीज़ बड़ी हुई हो गई। और ये इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग फीचर है कि हमें इमोजीज़ डाउनलोड करनी पड़ती थी, अब इसके अंदर ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें मिलती है, वन ड्राइव मिल जाती है इस विंडोज़ के अपडेट में, जो कि आपकी अगर आप अपना अकाउंट इधर साइन इन करते हैं और ये ऑन है, इसके अंदर आपने जस्ट लॉग अपने फाइल को ड्रैग करने, तो ये खुद ब खुद इसको सिंक करके अपने वन ड्राइव के ऊपर सर्वर के ऊपर अपलोड कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम जब भाई आप किसी और पीसी या किसी और मोबाइल के ऊपर इसे एक्सेस करना पाए चाहेंगे तो एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है इसके अंदर। विंडो ड्राइव के अंदर आप कोई फाइल सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ISS उसको अपडेट लोड कर देगा अपनी सर्वर के ऊपर, और नेक्स्ट टाइम आप किसी भी पीसी या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव या आप मोबाइल कर लें या कोई भी अदर थिंग जिसके ऊपर डिवाइस के ऊपर वन ड्राइव यूज़ कर पाएँ, वहाँ से अपने फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है इसका 1903 में। और नेक्स्ट थिंग जो है, जब भी आप विंडोज़ के अपडेट्स को डाउनलोड करते तो ये फौरी आपके वर्किंग प्रोसेस के अंदर ही अपडेट होना शुरू हो जाता, बट अभी सीन कुछ डिफरेंट है कि अभी आप देखें अपडेट एंड सिक्योरिटी, तो इधर उन्होंने आपको दिया हुआ है कि पाउज, और ये पाउज अपडेट फॉर 7 डेज, 7 दिन तक इसको पेंडिंग में डाल सकते हैं। ये आई हुई है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये इसका एक्टिव आवर्स, जिस एक्टिव आवर्स में आप कहेंगे वो उसी में ही अपडेट होगा, अदरवाइज़ ये अपडेट नहीं होगा। और आप इसको 7 दिनों के लिए पॉज भी कर सकते हैं, आई विल चेक ऑन पॉज अपडेट फॉर 7 डेज़, तो ये इसके ऊपर पॉज कर देगा। तो ये थी कुछ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, जो कि विंडोज़ के अंदर न्यू फीचर्स ऐड किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इनमें से किसी भी फीचर्स के ऊपर मोर डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।